हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय आती हार्ट। तो आज की वीडियो में बनाने वाली हूँ चॉकलेट आइसक्रीम कैंडल, जिसके लिए हम सबसे पहले एक आइसक्रीम ग्लास लेंगे। उसमें हम विक को पेस्ट कर देंगे और फिर उसको होल्ड करने के लिए विक होल्डर लगा देंगे। फिर हम वैक्स लेंगे और उसको मेल्ट कर लेंगे। मैंने डबल बॉयलर के मेथड से अपनी वैक्स को मेल्ट किया है, आप कैसे भी कर सकते हैं। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर मिक्स कर दिया ताकि ये थोड़ा सा चॉकलेट का कलर ले सके। फिर हम अपने ग्लास में थोड़ी सी वैक्स को पोर करेंगे और उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। फिर मैं एक डिस्पोजेबल ग्लास लूंगी, उसमें थोड़ी सी वैक्स पोर कर दूंगी। पोर करने के बाद स्पून की हेल्प से हम अपनी वैक्स का एक थिक पेस्ट बनाएंगे। थिक पेस्ट हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि इससे हमें आइसक्रीम बनानी है, तो हम जब तक इसको मिलाते रहेंगे तब तक कि थिक पेस्ट नहीं बन जाता। अब हमारा पेस्ट ऑलमोस्ट थिक हो गया है। थिक होने के बाद हम एक स्कूपर लेंगे, उसमें अपने वैक्स को पोर कर देंगे। उसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ने के बाद हम स्कूपर में से अपनी वैक्स का एक स्कूप निकालेंगे जो कि एक आइसक्रीम स्कूप की शेप ले लेगा। फिर उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम सोया वैक्स लेंगे और उसको मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के बाद हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें अपनी वैक्स को डाल लेंगे और विस्क की हेल्प से हम उसको मिलाते रहेंगे। जैसे हमने पहले एक थिक पेस्ट बनाया था, अभी भी हमको थोड़ा थिक पेस्ट ही बनाना है क्योंकि हम अब अपनी आइसक्रीम में फ्रॉस्टिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें इसे अच्छे से मिला के एक थिक पेस्ट बनाना होगा। थिक पेस्ट बनने के बाद फिर हम एक पाइप एंड बैग लेंगे और उसमें अपने पेस्ट को डाल देंगे और अपनी आइसक्रीम कैंडल में फ्रॉस्टिंग करेंगे। तो हमारी फ्रॉस्टिंग पूरी हो गई है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। अब हम इसमें ना आइसक्रीम स्कूप रखेंगे जो हमने पहले बनाया था, हम उसको डेकोरेट कर देंगे। अपनी कैंडल को और डेकोरेट करने के लिए मैंने इसमें छोटी सी हार्ट शेप की चॉकलेट भी लगा दी थी जो मैंने पहले ही बना ली थी। ये भी वैक्स की ही बनी हुई है, तो आप भी और चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं जो जो आप करना चाहते हैं। मुझे ये ऐसे ही बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। सो चॉकलेट आइसक्रीम कैंडल अब रेडी हो चुकी है। आपको कैसी लग रही है? मुझे तो बहुत डिलीशियस लग रही है, मन कर रहा है खा लूँ। बट आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। अगर आपको और ऐसी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।